कुछ ना कुछ तो इसके पीछे है, दाल में कुछ तो काला है। आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को सीबीआई के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जा रहा है। अब तक हम सबको ये पता चल गया, ओडिशा ट्रेन हादसा की जांच सीबीआई करेगी। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि सीबीआई जांच क्यों, सीबीआई को क्यों बुलाया जा रहा है, सीबीआई करते क्या है, सीबीआई कोई क्रिमिनल केस है तो सीबीआई उसकी जांच करती है। तो सवाल ये है कि क्या इसमें कोई क्रिमिनल एंगल है, सीबीआई ये जांच करेगी। सबसे पहले एक बार ये जानने का कोशिश करते हैं कि क्यों सीबीआई को बुलाया जा रहा है। तो पीछे मुड़ के ये देखते हैं कि 2 जून ओडिशा में बालासोर के पास जो बहानगा बाजार स्टेशन में ये हादसा हुई है, वहाँ पे उस दिन क्या हुआ था। वहाँ पे उस दिन ये हुआ था कि एक अप मेन लाइन होता है, एक डाउन मेन लाइन होता है। वो अप मेन लाइन से बालासोर से छूट करके एक मालगाड़ी, जो गुड्स ट्रेन बोलते हैं हम, वो गुड्स ट्रेन भद्रक के ओर चल रही थी और वो अप मेन लाइन पर ही थी। तो पीछे पीछे आ रही थी करमुंडल एक्सप्रेस। तो करमुंडल एक्सप्रेस एक सुपर फास्ट ट्रेन है, तो उसको पहले जाने का मौका दिया जाता है। तो क्या किया गया, ये गुड्स ट्रेन जो है, ये गुड्स ट्रेन को ये बहानगा बाजार स्टेशन में खड़ी कर दी गई। कैसे खड़ी कर दी गई, ये थी आप मेन लाइन में, ये आप मेन लाइन से ये गुड्स ट्रेन को डाइवर्ट करके जो आप लूप लाइन है वो लाइव लूप आप लूप लाइन में घुसा दिया और वहाँ पे उसको स्टेशनरी कर दिया। और ये बताया गया भाई पहले करमुंडल एक्सप्रेस को जाने दो, उसके बाद आपको फिर जाने का मौका दिया जाएगा। और क्या किया, उसके बाद करमुंडल एक्सप्रेस को ग्रीन सिग्नल मिल गया। करमुंडल एक्सप्रेस के जो 2 लोको पायलट है, उन्होंने देखा कि सिग्नल आगे ग्रीन है तो वो ट्रेन चला दिया और तेज रफ्तार से उन्होंने ट्रेन चलाया। करीब करीब 128 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार में वो ट्रेन चल रही थी। तो क्या हुआ, ये क्या होने का क्या था, होना ये था कि करमुंडल एक्सप्रेस बिना रुके हुए वो जो बहानगा बाजार स्टेशन है, वो बहानगा बाजार स्टेशन को पार करके आगे निकल जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। वो एक फेसिंग पॉइंट जो है, जिस फेसिंग पॉइंट से वो गुड्स ट्रेन को डाइवर्ट करके लूप लाइन में घुसा के स्टेशनरी करके रखा था, कोरोमंडल एक्सप्रेस भी आ करके वही सेम पॉइंट से फिर बाएं घूम के डाइवर्शन लेके वही लूप लाइन में घुस गया और जा करके एकदम वो गुड्स ट्रेन के पीछे टकराई। जो इंडिपेंडेंट बॉडी है कमिश्नर रेल सेफ्टी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है। मेरा इस वक्त कमेंट करना ठीक नहीं होगा। लेट दी inquiry report come out, but the cause of the accident has been identified and the people responsible have been identified. कि preliminary finding से ऐसा लगता है कि signalling में कोई परेशानी पाई गई, लेकिन वो भी preliminary जानकारी है। हमारे जो commissioner of railway safety हैं, उनकी जांच चल रही है, इसलिए उनकी जांच complete हुए बिना हम लोग कुछ भी नहीं शेयर कर सकते हैं अभी डिटेल में, क्योंकि जो भी हम कहेंगे अगर वो गलत हो गया तो फिर वो ठीक नहीं होगा। तो जानकार लोगों का ये कहना है भाई ये तो बिल्कुल नामुमकिन है, ये तो होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जो सिग्नलिंग सिस्टम है वो सिग्नलिंग सिस्टम इतना जबरदस्त है, इतना वो भरोसेमंद है, उसमें इस टाइप की हादसे होने का कोई संभावना है ही नहीं, तो फिर कैसे हो गया। तो ये जानकर लोगों की ये कहना है कि भाई ये तब संभव है अगर ये सिग्नलिंग सिस्टम के साथ किसी ने जानबूझ के छेड़छाड़ कुछ किया हो। तो पहले ये समझते हैं कि क्यों ये सिग्नलिंग सिस्टम जो है ये इतना जबरदस्त है, इतना भरोसेमंद क्यों है, ये पहले समझते हैं। ये सिग्नलिंग सिस्टम जो है बहानगा बाजार स्टेशन में, जो सिग्नलिंग सिस्टम है, ये सिग्नलिंग सिस्टम को हम ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम, ईआई सिस्टम बोलते हैं। क्या है ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम, ये बिल्कुल एक कंप्यूटर लॉजिक्स एंड एल्गोरिदम बेस्ड सिस्टम है, जिसमें क्या होता है, जिसमें ये होता है कि वो स्टेशन में प्लेटफॉर्म कितने हैं, लाइनें कितने हैं, सिग्नल्स कितने हैं, पॉइंट्स कितने हैं, उसके हिसाब से ये लॉजिक को बनाते हैं जो कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हैं। वो लॉजिक एक बार बन जाती है तो उसके बाद ये जो सारे मशीनरीज जिस रूम में स्टेशन के अंदर रखा जाता है उस रूम को बोलते हैं
रिले रूम, वो रिले रूम एकदम बिल्कुल बंद किया जाता है और उसमें ताला लगाया जाता है, और वो जो ताला है वो स्पेशल ताला होता है, और उसका चाबी केवल एक आदमी के पास नहीं होता है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के पास वो चाबीज होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई अगर चाहे कि हम जाते हैं और वो रिले रूम को खोलते हैं और सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करके आराम से आ जाते हैं, तो इतना संभव, इतना आसान वाली बात ये है ही नहीं। तो शक अभी इस बात पर है, क्योंकि स्टेशन मैनेजर जो है, स्टेशन सुपरिंटेंडेंट जो है, जिन लोगों का काम क्या है, जिन लोगों का काम ट्रेन चलाना है, एकदम स्मूथली ट्रेन ऑपरेशन हो जाए ये निश्चित करना इन लोगों का काम है। ये लोग करते क्या है, ये लोग स्टेशन में बैठ के एक रूम होते हैं जिसको हम बोलते हैं पैनल रूम। वो पैनल रूम में क्या होता है, वो पैनल रूम में एक पैनल बोर्ड होती है, सामने एक डिस्प्ले होती है, और वो पैनल रूम में, वो पैनल बोर्ड में सारे बटन्स रहते हैं। तो ये स्टेशन मैनेजर हो या स्टेशन सुपरिंटेंडेंट हो, वो जिस ट्रेन को स्टेशन के अंदर लेना है, बाहर करना है, रोकना है, ये जो है एक कमांड उन लोग दे देते हैं। कैसे कमांड देते हैं, वो पैनल बोर्ड का बटन दबा के ये कमांड दे देते हैं। तो वो एक बार वो बटन दबा देते हैं तो ये जो सिस्टम है, कंप्यूटर लॉजिक बेस्ड जो सिस्टम है, ये सिस्टम वो एक्टिवेटेड हो जाते हैं और उसके हिसाब से वो सिग्नल को सेट करते हैं, पॉइंट को सेट करते हैं। तो जानकर लोगों का ये कहना है कि ये स्टेशन मास्टर जो है, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर जो है, सुपरिंटेंडेंट जो है, इन लोगों का काम ही नहीं है, क्योंकि इन लोगों का कोई एक्सेस ही नहीं है वो रिले रूम में। वो लोग अगर चाहे भी तो छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, वो छेड़छाड़ वो लोग कर सकते हैं जिन लोगों को इस कंप्यूटर लॉजिक बेस्ड सिस्टम की जानकारी है। तो इसीलिए ये माना जा रहा है, लोगों का ये कहना है, जानकार लोगों का ये कहना है कि ये हो सकता है, ये तब हो सकता है जिस टाइप की हादसा हुई है, तब हो सकता है अगर किसी ने छेड़छाड़ किया होगा तो। क्यों ये लोग बोल रहे हैं, इन लोगों का ये कहना है कि ये लॉजिक कैसे काम करते हैं, हम पहले ये जाने कि गुड्स ट्रेन आकर के लूप लाइन में खड़ी हो गई है, तो पीछे वाला जो पॉइंट है, जिस पॉइंट से इसको ऐसा डाइवर्ट करके ऐसा घुमा दिया, वो पॉइंट तब क्या होता है, वो पॉइंट को ये स्टेशन मास्टर लोग फिर वो बटन दबाते हैं और वो पॉइंट को बंद कर देते हैं। बंद करने का मतलब क्या हो गया, बंद करने का मतलब ये हो गया, पीछे से अगर कोई ट्रेन आती है, वो ट्रेन कभी भी वो लूप लाइन में घुस नहीं सकती है। लेकिन हुआ तो वैसा ही है, क्योंकि लॉजिक ये भी बोलते हैं, अगर मान लीजिए किसी से गलती हो गई है, आदमी से गलती होती है, स्टेशन मैनेजर और स्टेशन सुपरिंटेंडेंट अगर भूल गया हो, हाँ भाई वो गुड्स ट्रेन को हम लोगों ने तो लूप लाइन में घुसा दिया, अभी पीछे का जो पॉइंट है उसको बंद करना है, बंद करने में वो गलती हो गई है, भूल गए हैं, तो फिर क्या होगा, ये इतना ही जबरदस्त ऑटोमेटेड सिग्नलिंग सिस्टम है, तो पीछे वाले जो सिग्नल्स होंगे, जितने सिग्नल्स होंगे, वो सारे सिग्नल्स लाल होंगे, लेकिन लाल तो नहीं थी, सिग्नल जो है वो तो हरी थी, तो हरी झंडा मिल गया, ट्रेन आ गई और आकर के टकरा गई। तो इसीलिए जानकर लोग बोल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा भैया, कुछ ना कुछ तो इसके पीछे है, डाल में कुछ तो काला है। जिस सिचुएशन में ये दुर्घटना हुई है, और जो परिस्थितियां हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए जो कुछ अब तक का एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन मिली है, उस सब को ध्यान में रखते हुए आगे की इंक्वायरी के लिए, आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को, इस पूरे मामले को सीबीआई के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जा रहा है। तो ये ऐसी जांच अभी होगी, सीबीआई ऐसी जांच करेगी कि ये ढाल में काला क्या है, कुछ है कि, अगर है तो क्यों है, किसने किया, अगर किसी ने किया है तो कारण क्या है, क्या मोटिव था, क्यों ये किया गया, ये सारे चीजें अब ये माना जाता है कि सीबीआई की जो जांच है वो जांच में धीरे धीरे निकल के सामने आएगा।